आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि गुर्जरों की तरह उन्हें भी प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, जहां पर प्रदेश में गुर्जर समाज आरक्षण को लेकर पहले से ही परेशान है, लगातार आवाज उठाई जा रही है। अब सवर्ण समाज के लोग भी आरक्षण के लिए परेशान हो रहे हैं। ये लोग प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि गुर्जरों की तरह उन्हें भी प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण दिया जाए। और अब इसी मांग को लेकर लगातार जो विरोध किस पर है वो भी उठने लगे हैं। प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण की मांग सवर्ण समाजों की भी अब उठती हुई नजर आई है, सवर्णों की भी अब उठती हुई नजर आई है। जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर उनका रुख कर लेते हैं सीधा। आशीष, गुर्जर समाज लगातार आरक्षण मांग कर रहा है, कर्सा बीत चुका है, लेकिन इनकी मांगों पर पहले से ही विचार विमर्श जारी है, लेकिन अब तक कोई समाधान निकलता हुआ पूरी तरह से नजर नहीं आया। वहीं पर सवर्ण समाज की ओर से भी अब आरक्षण की जो मांग है वो बुलंद होने लगी है। क्या कुछ मांगे हैं तमाम लोगों की, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। देखिए, गुर्जर समाज पहले ही लगातार आंदोलन करता आ रहा है आरक्षण को लेकर के, लेकिन अब सवर्णों ने भी आरक्षण की मांग करती है और 10% जो आरक्षण है उन्हें मिल भी चुका है, लेकिन प्रक्रियाधीन भर्ती जो है उसमें आरक्षण अभी तक नहीं मिल पाया है। उसी मांग को लेकर के सवर्णों ने जो कोर्ट में जो याचिका है वो भी दायर कर दी है। हमारे साथ कुछ सवर्ण अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिरकार क्या मांग है आपकी? गुर्जरों को तो आरक्षण मिल गया प्रक्रियाधीन भर्तियों में, क्या आपको भी आरक्षण मिलना चाहिए? जब गुर्जर आरक्षण दिया गया एवं ईडब्ल्यूएस सवर्ण आरक्षण दिया गया, दोनों एक ही साथ दिए गए थे कुछ दिनों के अंतराल में। जब एक साथ अध्यादेश लाया गया, कानून पारित किया गया, तो एक गुर्जर आरक्षण को तो इन गत भर्तियों के अंदर शामिल कर लिया गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस सवर्ण आरक्षण को क्यों नहीं शामिल किया गया? जब उनके लिए नए पद सृजित हो सकते हैं तो सवर्ण आरक्षण के लिए पद सृजित क्यों नहीं हो सकते? हम सरकार से ये मांग करते हैं, जब आप उनको भी पीछे गत जो भर्ती हो चुकी हैं उनमें जब उनको शामिल कर सकते हैं तो हमें भी शामिल करना चाहिए। ये आपका नैतिक। आप भी सवर्ण अभ्यर्थी हो? हाँ बिल्कुल। क्या मांग करते हो आप? क्या 23 भर्तियों में जो है गुर्जरों को आरक्षण दिया गया है, क्या आपको भी मिलना चाहिए ये और क्यों? बिल्कुल, हमें भी वो जो गुर्जरों को दिया गया है 5%, उसी आधार पर हमें 10% जो लंबित भर्तियाँ उनको भी दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया है वो भी जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की है वो भी बहुत आसान होनी चाहिए, क्योंकि उसको इतना जटिल बना दिया है कि हम 5-10 दिन तक। जटिलता क्या है उसमें? जटिलता उसमें जटिलता है कि हमें पहले पटवारी के पास भागना पड़ता है, फिर सेक्रेटरी के पास भागना पड़ता है, फिर गांव के सरपंच के पास भागना पड़ता है, फिर तहसील पे जाना पड़ता है। तो और फिर सबसे बड़ी बात है कि सारे कर्मचारी सारे अधिकारी एक दिन में मिलना, ये भी एक बहुत मुश्किल होता है कि हमें 10-20 दिन तक लगातार भागना पड़ता है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये प्रक्रिया भी आसान हो और जो एक सर्टिफिकेट की हमारी जो मांग है ईडब्ल्यूएस की, वो ये है कि जो गुजरात सरकार ने किया है वही हम मांग करते हैं कि हमारा ईडब्ल्यूएस 8 लाख वार्षिक आय। प्रक्रियाधीन भर्तियों में जिस तरह से गुर्जर समाज को आरक्षण दिया गया है 5% आरक्षण, वैसे ही 10% आरक्षण देने की प्रक्रियाधीन भर्तियों में अब सवर्ण समाज भी मांग कर रहा है। अब इन मांगों को लेकर, अपनी आवाज बुलंद करने को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। शुक्रिया फिलहाल तमाम।